हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी। स्वागत करती हूँ लर्न विद राखी पर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML टैग्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था HTML के बारे में, HTML स्ट्रक्चर्स क्या होता है या फिर फ्री कोड एडिटर्स आपके कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं HTML टैग्स की। तो HTML टैग्स क्या होते हैं? जैसे आप HTML में कोडिंग करते हो तो आपको क्या करना होता है, टैग्स की नीड होती है। तो टैग क्या होते हैं आपके, उसमें दो चीज़ें होती है, स्टार्टिंग टैग होता है एंड एंडिंग टैग होता है। तो आप क्या करते हो, स्टार्टिंग टैग, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इमेज में P, तो ये P क्या है, आपका ओपनिंग टैग है। फिर आप इसके बीच में जैसे आपने लिखा यहाँ पे दिस इज सैम्पल टेक्स्ट, तो आपने क्या किया, ये कंटेंट लिखा है यहाँ पे और फिर इस टैग को क्लोज किया। जब तक आप क्या करोगे, क्लोज नहीं करोगे टैग को, यहाँ पे आप रन नहीं करवा सकते हो। तो इसलिए आपको दोनों की नीड होती है, स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग। बट इसमें HTML में कुछ ऐसे टैग्स भी होते जिनका सिर्फ क्या होता है, ओपनिंग टैग्स होते हैं, यानी स्टार्टिंग टैग। यहाँ पे कुछ आपके बेसिक HTML टैग्स है, जैसे A है आपका फॉर लिंक क्रिएशन के लिए आपका यूज किया जाता है, B आपका किया जाता है बोल्ड के लिए। तो ये सारे आपके क्या है, कुछ HTML टैग्स हैं, इनको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।